तो आज हम आपको लेकर आए हैं पंचकुला के अंदर, एंड पंचकुला के अंदर हम देखने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत ये इंडिपेंडेंट ड्यूप्लेक्स विला 500 गज का। पंचकुला में कहाँ आए हैं, आज हम आपको लेकर आए हैं सेक्टर 21 के अंदर, सेक्टर 21 के अंदर लेकर आए हैं। और इस घर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये घर पार्क फेसिंग रहेगा, बिल्कुल इसके सामने आपका पार्क आ जाता है। बहुत ही बड़ा सा पार्क है, सुबह शाम को जाके वॉक कीजिए, जॉगिंग कीजिए, इंजॉय करिए पार्क में जाकर। तो बहुत ही ये बड़ा USP पॉइंट इसका यही है कि पार्क फेसिंग घर है, एंड प्लस ये 500 स्क्वायर यार्ड का है, एंड इसके जस्ट बैक साइड पे मेन हाईवे आ जाता है। अगर आप इस तरफ को जाएंगे तो चंडीगढ़ अंबाला हाईवे स्टार्ट हो जाता है, एंड अगर इस तरफ को तो स्टार्ट हो जाता है कालका शिमला हाईवे स्टार्ट हो जाता है। सो कनेक्टिविटी तो बहुत ही बढ़िया है हमारी, हर एक एंगल से बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि आज आपको ये घर मैं दिखा रही हूँ सेक्टर 21 के अंदर। सो देखिए, मैंने बता दिया पार्क फेसिंग रहेगा, एंड कनेक्टिविटी की बात मैंने आपको बता दी है। घर का एलिवेशन उसकी बात करते हैं, चलिए। सो एलिवेशन आप देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ओह माय गॉड, इतना कमाल का एलिवेशन। और मैंने सुना है इस घर के अंदर हमें 8 बेडरूम्स देखने को मिलेंगे, छोटा सा एक स्विमिंग पूल भी देखने को मिलेगा, एंड एक टेरेस गार्डन देखने को मिलेगा। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड कि कैसा होगा, एंड आप सभी को भी हम दिखाएंगे, एंड थोड़े से आज लेंगे मज़े, और साथ ही में आइडियाज़ भी बहुत सारे मिल जाएंगे हमें हमारे घर के लिए। सो जल्दी से मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम मनीषा, और हर बार की तरह आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हैरी दत्त पर। जिन्होंने भी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जितनी वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी, एंड ऑल्सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम बाहर से ही, सबसे पहले बाहर जैसे मैं बताऊं आपको ग्रीन एरिया, सो बाहर आपका एक सेपरेट ग्रीन एरिया आ गया यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। घर के अंदर तो है ही है, घर के बाहर भी ग्रीन स्पेस दिया हुआ है। एंड पार्किंग की बात की जाए तो हमारा घर है पार्क फेसिंग, सो घर के सामने हमारा पार्क आ जाता है। पार्क की वजह से क्या है कि एक प्लस पॉइंट हमें अगेन यही आता है कि हम अपनी जो कार्स है वो घर के बाहर ही पार्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, रोड्स वगैरह हमारी ब्लॉक नहीं होने वाली है, हमारी गाड़ी भी आराम से पार्क हो जाएगी। एंड जो हमारा बर्म एरिया है, बर्म एरिया में हमारी एक गाड़ी की पार्किंग आराम से मिल जाती है, इजीली आप यहाँ पर भी अपनी एक गाड़ी पार्क कर सकते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट घर के अंदर वाला स्पेस पार्किंग का, तो घर के अंदर आपको दो गाड़ियों की पार्किंग मिल जाती है, सो यहाँ पर आपकी दो गाड़ियाँ इजीली पार्क हो सकती हैं। तो दिस इज आवर पार्किंग एरिया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। उधर से आप एंट्री देख रहे होंगे, जो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं, जो ये एंट्री है ये सीधा टॉप पे जाती है, जैसे आप अगर अपने घर में हाउस हेल्प रख रहे हैं एंड उनकी सेपरेट एंट्री यहाँ पर कर दी गई है, सो दैट आपकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन होती रहे, एंड साथ ही में आपको घर के कामों में हेल्प भी मिलता रहे। अब एक चीज देखिए, पूरे घर में ना ग्रीनरी का जो ध्यान दिया हुआ है, जो ध्यान रखा हुआ है, वो बहुत ही अच्छा है। मतलब मुझे तो ग्रीनरी से बहुत प्यार है, तो देख के बहुत अच्छा सा लगता है कि इतना सारा ग्रीनरी जो मेंटेन किया है वो काफी अच्छा है। घर के बाहर है, घर के अंदर भी इतना सारा ग्रीनरी है, एंड टॉप पे जो हम टेरेस गार्डन देखने वाले हैं, भाई इंतजार नहीं हो रहा, मन कर रहा है मैं सीधा वहीं से शुरू करूँ, बट चलिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हमेशा हम स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। अब इधर देखते हैं, आ जाइए, ये देखिए घर के हमारे अंदर जो पार्क आ जाता है, एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुकून देने वाला एक ग्रीन एरिया, और बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है। इमेजिन करिए, सुबह सुबह आप उठे हैं और बाहर आके आपने चाय की चुस्कियाँ लगाई यहाँ पर बैठ के आपके इस गार्डन में, तो कितना मज़ा आएगा ना। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लुक दिया गया है गार्डन को भी। ये
इधर देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है, मतलब 500 गज को 500 स्क्वायर यार्ड को काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया गया है कि बाहर भी इतना अच्छा स्पेस दिया गया है, ग्रीनरी को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, सो दैट ग्रीनरी, मतलब वैसे भी ग्रीनरी होनी चाहिए घर के अंदर, राइट। इधर एक बहुत ही प्यारा सा झूला भी आ गया, नाइस। मतलब मैं सोच रही हूँ जो यहाँ पर रहेंगे वो कितना इंजॉय करेंगे ना कि इतना सारा प्यारा सा ग्रीन एरिया अपने घर में मिल रहा है, मजा आ जाएगा सच में, बहुत मजा आएगा। और इस तरफ को भी आप देखिए, इस तरफ को भी, वहां पे जैसे इन केस जैसे बारिश हो रही है एंड आप अपने गार्डन एरिया में नहीं बैठ सकते हो बट आपको बाहर बैठने का मन है, बारिश को एंजॉय करने का मन है, बारिश को देखने का मन है, तो यहाँ पे आप लगाइए 2 चेयर्स, 1 सेंटर टेबल लगाइए एंड एंजॉय करिए अपने पकौड़े और चाय, कितना मजा आएगा ना, एक सोच के ही वो है। बट यहाँ पे काफी सारे जो, मतलब ये काफी डिफरेंट टाइप के गमले हैं जो मैंने देखे नहीं है आज तक और मैं आज पहली बार देख रही हूँ, नाइस। मतलब एक और ज़्यादा खूबसूरत हम कैसे बना सकते हैं घर को वो देखने को मिल रहा है यहाँ पर, काफ़ी सारे आइडियाज़ देखने को मिल रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। एक पर्सनल लेवल पे बोलूँगी मैं ये बात कि बहुत सुंदर लग रहा है ये घर, रियली इम्प्रेस्ड, बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम श्योर आप सभी को भी ये घर बहुत पसंद आ रहा होगा एंड हमारा जो ये एलिवेशन। वाओ, लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत लग्जरी कॉन्सेप्ट का एलिवेशन है, बहुत अच्छा, हर एक एंगल से देखने को मिल रहा है कि हर एक टच दिया हुआ है, वुडन का काम हो चाहे लग्जरी कॉन्सेप्ट हो चाहे जैसे भी हो, बहुत अच्छा और मैनेज काफ़ी अच्छा किया है घर को, काफ़ी अच्छा। सो देखिए बाहर वाला एरिया तो हम देख चुके हैं, बाहर स्पेस हमने देख लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर वाला एरिया काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से सुंदर तरीके से एक सजाया गया है अपने ही घर को, बहुत अच्छा लगा। अब देखिए यहाँ पर आती है हमारी मेन एंट्रेंस, घर के अंदर जाने की हमारी मेन एंट्रेंस। सो ये देखिए सबसे पहले हमारे को यहाँ पर मिल रहा है एक सेपरेट डोर। सो ये देखिए हमारी जो डोर की हाइट बोलूँगी मैं, सबसे पहले हाइट काफ़ी अच्छी है, एक बहुत ही अच्छी हाइट दी हुई है डोर को, पर्सनली बोलूँगी मैं, और वुडन का डोर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। देखिए अब मैं आपको लेके जाऊँगी सीधा घर के अंदर, ना आप सभी को इंतज़ार करवाते हुए, आई नो कभी कभार ना मैं एक एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ा देती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है ऐसे घरों को देखने की एंड आप सभी को दिखाने की भी। चलिए दोस्तों फाइनली लेके चलते हैं आप सभी को घर के अंदर, आ जाइए। सो एंटर करते ही सबसे पहले बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा आपका फॉयर एरिया आ जाता है जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कमाल, मतलब कितने सारे आइडियाज भी हमें मिल रहे हैं एंड घर भी हम साथ में देख रहे हैं, बहुत सुंदर। यहाँ पे जो एंट्री पे हमें ये टेबल पे इतने प्यारे से कैंडल्स, यहाँ पे एक बहुत ही फैंसी सा एक मिरर देखने को मिल रहा है, उससे ये जो लुक है हमारे फॉयर एरिया की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आ रही है, बहुत ही कमाल। एंड अब चलते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आपका आता है ड्राइंग एरिया, ये देखिए, ओ माय गुडनेस, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये पर्सनली, बहुत कमाल, बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस वाइब्स आ रही हैं मुझे अभी से ही कि इतना खूबसूरत इंटीरियर वर्क, मतलब चॉइस ऑफ इंटीरियर कितना ज़्यादा अमेजिंग है, कितना ज़्यादा। यहाँ पे हमें सबसे पहले देख रहे हैं जो वुडन की फ्लोरिंग आपको देखने को मिल रही है, टेबल्स कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमारे सोफाज बहुत सुंदर, यहाँ पे तो एक गैदरिंग जो होगी ना आपकी बहुत कमाल की होगी, और इंटीरियर वर्क भी काफ़ी अच्छा है, हर एक चीज़ को ना, मतलब मैं क्या क्या बोलूँ, मेरे को ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या शुरुआत करूँ, बट बहुत सुंदर लग रहा है। एंड ऊपर आप देखिए फॉल सीलिंग भी आपकी आ गई जिसमें वुडन का टच आपको काफ़ी सारा मिल रहा है, वुडन फॉल सीलिंग आपको मिल रही है। इधर आप देखिए वाह, व्हाट, मतलब ये जो एंटीक पीस है ये काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, काफ़ी डिफरेंट लुक भी है इसका, इसने एक लाइट भी अपने हाथों में ऐसे पकड़ी हुई है, काफ़ी कमाल, मतलब हर एक चीज़ को जो सोच के इस घर में रखा गया है, चाहे वो टेबल्स हो चाहे वो हमारे कैंडल्स हो, खूबसूरती कितनी बढ़ाई जा रही है वो काफ़ी अच्छा है। एंड इसी के जो सामने एक बड़ी सी विंडो आ जाती है, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है बाहर का यहाँ से डायरेक्ट,
आपके गार्डन का लुक है, अब यहाँ अपने ड्राइंग एरिया में बैठे हैं एंड बाहर का जो लुक है वो बहुत सुंदर आएगा, बहुत ही ज्यादा। एंड यहाँ से एक आप देखिए ग्लास, यहाँ से बिल्कुल व्यू भी है आपके लिविंग एरिया का, जो फैमिली लाउंज एरिया आपका रहेगा बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ से लुक आता है, व्यू आता है, क्योंकि यहाँ पे ग्लास वर्क यूज किया गया है। तो ये तो था हमारा ड्राइंग एरिया, बहुत सुंदर लगा आज का घर। मैं आप सभी को बता रही हूँ, दिल थाम के आप बैठे रहिए, एक भी पार्ट आप बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सुंदर घर है। आप सच में बोलेंगे कि क्या घर आज आप लोगों ने हमें दिखाया है। ये देखिए हमारे स्टेप्स आ जाते हैं, सो दो स्टेप्स में हम चलते हैं सीधा हमारे फैमिली लाउंज एरिया की ओर एंड डाइनिंग एंड किचन भी देखेंगे। आ जाइए। अब हम आ चुके हैं आप सभी को लेकर आपके लिविंग, आपके फैमिली लाउंज एरिया की ओर, जहां से आपको मिलता है बहुत ही अमेजिंग सा व्यू। ये है आपका डिजाइनर, बहुत ही खूबसूरत वाटर लॉबी एरिया और बहुत ही सुंदर बनाया है। यहाँ पे आपको इसका डर नहीं है कि कल को सीलन वगैरह आ सकती है, क्योंकि सिंस ये पानी वानी अंदर है तो इसका कोई टेंशन नहीं होगा आपको। बिल्कुल हर एक चीज का ध्यान रखते हुए हर एक स्पेस को बनाया गया है घर में, और बहुत ही सुंदर हमारा रूफ टॉप भी काफी कमाल लग रहा है। सामने को जो देखने को मिल रहा है हमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स एंड ग्रास का काम काफी अच्छा लग रहा है। इधर एक्चुअल, दीज आर एक्चुअल प्लांट्स, वो एक्चुअल प्लांट्स यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, बहुत सुंदर आ रहा है लुक। वाओ, मतलब क्या सोच के बनाया है घर, मतलब बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। एंड इधर ये है आपका फैमिली लाउंज एरिया, सो यहाँ पे आप बैठे हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, यू आर इंजॉइंग योर क्वालिटी टाइम विद देम। और यहाँ पे बैठे बैठे एक बाहर का जो नज़ारा है वो भी काफ़ी कमाल का है, एंड यहाँ पे तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इंजॉय कर ही रहे हैं, तो एक सोने पे सुहागा हो ही गया एनी हाउ, क्योंकि अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना किसे नहीं पसंद, और टाइम स्पेंड करें आप ऐसी जगह पे तो और मज़े आ जाएंगे। ऊपर आपकी फॉल सीलिंग आ गई विद द LED लाइट्स। अब देखिए इस तरफ को चलेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे भी चलेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत कुछ देखना बाकी है। तो यहाँ पे आप देखिए जो हमारा आ गया स्टेयर्स, फर्स्ट फ्लोर पे जाने के स्टेयर्स, और अरे मैंने तो आपको ये बात भी नहीं बताई कि ये विद लिफ्ट भी है घर, ये कैसे भूल गई मैं, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई नहीं, आई एम सो सॉरी, कि ये विद लिफ्ट आपको घर मिल रहा है। तो स्टेयर्स हमारी आ गई। अभी स्टेयर्स के नीचे वाला जो एरिया है कितने अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है, जो डेकोर आइटम यहाँ पे यूज किए गए हैं, जो इंटीरियर मतलब बहुत सुंदर लग रहा है। टीवी यहाँ पर आ गया, एक छोटे साइज का टीवी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, आप बड़े साइज का भी इंस्टॉल कर सकते हैं, दैट इज कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको अगर करना है तो। जो हमारी स्टेयर्स है वो तो काफी सुंदर है, इसके बारे में तो हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे आराम से, उससे पहले मैं दिखाती हूँ आपको पाउडर रूम। यहाँ पे आपका आ गया पाउडर रूम, ये देखिए, ये आपका पाउडर रूम आ गया। कल को जैसे आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो ये आपके पर्सनल बेडरूम के वॉशरूम को यूज करने के बजाय वो यहाँ का वॉशरूम यूज कर सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं सीधा हम हमारे डाइनिंग एरिया की ओर। तो ये है हमारा डाइनिंग स्पेस, ये डाइनिंग एरिया आ गया, और काफी अच्छा डाइनिंग एरिया है। आप देखिए यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल भी है वो यहाँ पे 6-seater डाइनिंग टेबल इंस्टॉल किया गया है, उसके बाद भी हमें मूव करने के लिए काफी सारी स्पेस मिल रही है, बहुत ही अच्छी बात है। आप यहाँ पे 12-seater डाइनिंग टेबल भी मेरे हिसाब से आराम से लगा सकते हैं। इधर को आपका टीवी पैनल आ गया, ये देखिए, सो ये टीवी पैनल है, वुडन का टीवी पैनल आपको दिया जा रहा है। एंड ये घर जैसा आप देख रहे हो एज इट इज आपको मिलने वाला है, फुली फर्निश्ड आपको मिलने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं किचन की ओर। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये आपका मिनी ब्रेकफास्ट टेबल आ गया, एंड उसके बाद इस तरफ को ये है हमारा किचन, और काफी स्पेशियस है, काफी अच्छा। एंड हमारे इसी किचन से हमें एक्सेस मिलता है बैकयार्ड का, डायरेक्ट एक्सेस है आपके बैकयार्ड का। आइए मैं दिखा देती हूँ एक बार, यहीं से एक बार बैकयार्ड ही चल लेते हैं। देखिए, सो ये हमारा बैकयार्ड आ गया, और काफी अच्छा स्पेस बैकयार्ड पे भी मिल रहा है हमें। सो यहाँ पे आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं, धूप को एंजॉय कर सकते हैं, टाइम एंजॉय कर सकते हैं,
वापस बढ़ते हैं घर के अंदर एंड चेकआउट करते हैं अब बेडरूम्स को। चलिए अब बेडरूम्स की ओर चलते हैं, बट उससे पहले यहाँ पे आप देखिए ये है हमारी लिफ्ट जो बिल्कुल टॉप तक जाती है, बाद में यूज करेंगे लिफ्ट का। अभी देखिए मैं आपको बता देती हूँ अभी से ही कि हम उतना डीप जाके नहीं देखेंगे घर को, क्योंकि ये लिवेबल हाउस है, बट जेन्युइनली लगता है कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब अभी कुछ टाइम ही हुआ होगा इस घर को बने हुए, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम तो हुआ है इस घर को बने हुए, तो बट लगता नहीं है। आप भी कह रहे होंगे ना कि ये बिल्कुल फ्रेश न्यू इन्वेंट्री का है, हालांकि वैसे न्यू इन्वेंट्री ही है, बट ये है कुछ टाइम बने हुए। तो आपको कमेंट्स में बताना है कि कितना पुराना हो सकता है घर, कितना, मतलब आपके हिसाब से मैक्सिमम आपको क्या लगता होगा कि कितना ही पुराना होगा ये घर। तो ये आ गया फर्स्ट बेडरूम, सो ग्राउंड फ्लोर पे हमारा फर्स्ट बेडरूम आ गया। ये देखिए स्पेस बहुत अच्छा है हमारे ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट बेडरूम का, जो साइज है वो काफी ही अच्छा है, मतलब काफी स्पेशियस है पर्सनली। यहाँ पे आपका आ गया टीवी पैनल, एंड मैं आपको बता दूँ ये ओनर हाउस है, उन्होंने अपने हाथों से बहुत ही प्यार से ये घर बनाया है और काफ़ी अच्छा घर उन्होंने बनाया, आई एम वेरी इम्प्रेस, बहुत सुंदर घर बनाया आपने। सो ये देखिए इधर आपका ड्रेसिंग एरिया आ गया, सो ये ड्रेसिंग स्पेस है, एंड इधर आपके वार्डरोब्स आ गए, एंड देन आपका अटैच्ड वॉशरूम इधर। सो ये है आपका अटैच्ड वॉशरूम, इधर आपके वैनिटी आ गई, वैनिटी स्पेस, एंड देन इस तरफ को आपका बाथिंग एरिया आ गया। अब बढ़ते हैं सेकंड बेडरूम की ओर, चलिए और अब बढ़ते हैं ग्राउंड फ्लोर पे सेकंड बेडरूम की ओर, एंड ये है हमारा सेकंड बेडरूम। देखिए सेकेंड बेडरूम आ गया, इस तरफ को आपका टीवी पैनल आ गया, यहाँ पे आप आराम से बैठ के बाहर का व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं, एंड आपको दिखाते हैं हम अटैच्ड वॉशरूम एंड द वार्डरोब एरिया। सो इधर आपका वॉशरूम आ गया, इधर वैनिटी एरिया आ गया, इधर आपका बाथरूम स्पेस, एंड देन इस तरफ को आपका आ गया वार्डरोब एरिया। देखिए ग्राउंड फ्लोर हम सारा का सारा देख चुके हैं, हमने हमारा ड्राइंग एरिया देख लिया, हमने हमारा लिविंग एरिया देख लिया, हमने हमारा वाटर लॉबी देख लिया, किचन, डाइनिंग एरिया, दो बेडरूम हम देख चुके हैं। अब बारी आती है आप सभी को फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाने की। तो जैसा मैं बता चुकी हूँ आपको कि विद लिफ्ट भी है ये घर, बट हम यूज करेंगे स्टेयर्स, एंड स्टेयर्स की मदद से चलते हैं सीधा फर्स्ट फ्लोर पे, आ जाइए। और स्टेयर्स भी बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छे स्टेयर्स यहाँ पे लग रहे हैं, एंट्री हमारी इतनी ज्यादा ग्रैंड है, बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे शैंडलर आप देखिए, बहुत ही फैंसी शैंडलर भी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, काफी सुंदर लग रहा है। आइए मैं आप सभी को मिलती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे हूतरी। तो शैंडलर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, एंड हमारी स्टेयर्स तो काफी सुंदर थी ही थी। अभी आप देखिए एक और, जब जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर पे हमारे वाटर लॉबी का लुक लिया, सो फर्स्ट फ्लोर से भी आपको वाटर लॉबी का काफ़ी सुंदर व्यू देखने को मिलता है यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर, मतलब ये जो यहाँ पे ये भी कितने सुंदर है, मतलब वाओ, किस तरीके से इस घर को तैयार किया गया है, बहुत सुंदर लग रहा है। इधर भी जो सिटिंग के लिए स्पेस दिया गया है हमारे फर्स्ट फ्लोर को, यूजली जो ये वाला एरिया होता है ना, यहाँ पे आप सिटिंग एरिया मैनेज करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। जैसा आप अभी देख ही रहे हैं कि यहाँ पर ओनर ने अपना सिटिंग एरिया मैनेज किया है, तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। एंड हमारी ऊपर आप देखिए अगेन जो शैंडलर है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फैंसी क्लासी सा शैंडलर यहाँ पे यूज़ किया गया है, बहुत ही सुंदर। तो ये वाला एरिया भी हम देख चुके हैं, आइए बढ़ते हैं एक और स्पेस की ओर, जो कि है आपका ड्राइंग कम डाइनिंग स्पेस। आप सोचोगे यार ऊपर भी उन्होंने ड्राइंग कम डाइनिंग स्पेस दे दिया, वो उसका रीज़न मैं बताती हूँ आराम से। देखिए सबसे पहले इधर आपका सिटिंग एरिया आ गया, टीवी पैनल यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया गया है, बहुत सुंदर टीवी पैनल है, एंड इस तरफ को बुक शेल्फ आपका आ गया, ये देखिए काफ़ी सारी बुक्स हैं, लिटरली काफ़ी सारी बुक्स हैं, नाइस। किस किस को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे बिल्कुल नहीं है।
तो यहाँ पे ये है आपका डाइनिंग एरिया, देखिए ये डाइनिंग स्पेस आ गया, इधर आपकी एक छोटी सी पेंट्री आ गई। ये इसीलिए ही बनाई जाती है ऊपर भी, ताकि अगर आपका मन नहीं है नीचे तक जाने का, यू नो ग्राउंड फ्लोर तक कौन जाए इतना नीचे, वो थोड़ा सा आलस आ जाता है कई बार, तो आप ऊपर ही बना लीजिए आराम से। देखिए बेडरूम में हम जाएं, मास्टर बेडरूम में आपको लेकर जाऊंगी, बट उससे पहले देखते हैं एक बहुत ही कमाल का स्पेस, जो कि है हमारा मिनी स्विमिंग पूल। हम यूजली आप देखते होंगे कि यार फ्रंट में क्या होता है, बैल्कनी होती है, बट यहाँ पे हमें बैल्कनी नहीं स्विमिंग पूल देखने को मिल रहा है। यार ये भी बड़ी अच्छी बात है, स्विमिंग मतलब बैल्कनी तो चलो होती होती है, बैल्कनी में क्या ही घूमना, ऊपर छत में चले जाएंगे, बट यहाँ पे हमें एक सेपरेट बहुत ही प्यारी सी छोटी सी मिनी स्विमिंग पूल दे दिया गया है, और काफी अच्छा लग रहा है। इधर भी सिटिंग एरिया है, इस तरफ को देखिए, इधर सिटिंग एरिया है, अगर बालकनी का थोड़ा सा मजा लेना चाहते हैं तो इधर को आ जाइए, तो बालकनी का पूरा लुफ्त आप उठा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपका स्विमिंग पूल, आप इसको स्ट्रेच करके यहाँ तक भी बना सकते हैं। फर्स्ट ये पॉइंट हो गया, RCC से बनाया गया है, एंड साथ ही में थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है कि प्रिवेसी। बात सोचेंगे यार स्विमिंग पूल तो यहाँ पे दे दिया, अब मतलब कैसे, प्रिवेसी प्रॉपर ध्यान दिया गया है, प्रिवेसी का ध्यान दिया गया है, ऊपर आपकी फॉल सीलिंग अगेन, एंड यहाँ पे मतलब बेसिकली छोटे बच्चे, क्या आप अपनी बच्चों के साथ खुद भी इंजॉय कर सकते हैं, बेसिकली छोटे बच्चों को तो बहुत मजा आने वाला है। गर्मियों के वक्त तो ना आपके बच्चे यहाँ से बिल्कुल नहीं हटने वाले हैं, इस जगह को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। सो ये तो था हमारा स्विमिंग पूल, एक छोटा सा प्यारा सा स्विमिंग पूल। बढ़ते हैं सीधा बेडरूम के अंदर, आ जाइए। चलिए अब बढ़ते हैं सीधा मास्टर बेडरूम की ओर, तो साथ ही में हमारा मास्टर बेडरूम आ जाता है यहाँ पर। और क्या हाइट है, मतलब आप मास्टर बेडरूम की ना एक बार हाइट देखिए, बहुत ही अच्छी हाइट यहाँ पर मास्टर बेडरूम की दी गई है। आपका बेड आ गया सेंटर में, एंड साइड टेबल्स आपके दिए गए हैं, सामने को आपका TV पैनल आ गया इधर, ये देखिए ये TV पैनल है, एंड देन इस तरफ को आपका वार्डरोब एरिया आ गया, इस तरफ देखिए यहाँ पे आपके वार्डरोब स्पेस रहेगा, एंड ये ना पूरा मतलब विंडोज जैसे आप ओपन करेंगे, बहुत ही बड़ी सी यहाँ पे, बहुत ही बड़ी सी वॉल, वैसे तो वॉल आनी चाहिए थी, बट यहाँ पे क्या किया है कि पूरे ही उसमें ना विंडो एड ऑन कर दी गई है, तो एक लुक काफी अच्छा आ गया है। इस तरफ का आपको स्टडी एरिया, बेसिकली इस तरफ स्टडी एरिया आपका आ गया, एंड यहाँ पे सिटिंग के लिए दो चेयर्स दी गई हैं, आपका सेंटर में टेबल दिया गया है, एंड देन इस तरफ को आपका है बहुत ही कमाल का वैनिटी एरिया, ओ माय गॉड, इधर आपके वार्डरोब्स आ गए, यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया आपका आ गया, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही, एंड इस तरफ को आपका बाथिंग एरिया आ गया। हमने हमारा मास्टर बेडरूम भी देख लिया है, दैट मीन्स हमारा वो था थर्ड बेडरूम, अब बढ़ते हैं फोर्थ बेडरूम की ओर। सो ये आ गया है हमारा फोर्थ बेडरूम। सो बेसिकली ये थीम है एक गर्ल के लिए, गर्ल हमारी लड़की के लिए बेडरूम, बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर के थीम के साथ, ये देखिए सेंटर में आपका बेड आ गया, साइड टेबल्स, बहुत ही अच्छा मतलब बेडरूम काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। नीचे आपको वुडन फ्लोरिंग मिल रही है, इधर आपका स्टडी एरिया आ गया, एंड सामने को TV पैनल, एंड इधर आपका यहाँ पे आपके वार्डरोब्स आ गए, सबसे पहले यहाँ पे वार्डरोब्स, एंड देन इस तरफ को आपका वैनिटी एरिया आ गया, एंड यहाँ पे सामने को आपका आ गया बहुत ही बड़ा सा मिरर तैयार होने के लिए, इधर आपका बाथिंग एरिया आ गया। तो ऑल ओवर बात की जाए इस अटैच्ड वॉशरूम की, तो काफ़ी अच्छा स्पेस है। यहाँ पे आपको बालकनी का एक्सेस भी मिल जाता है इसी बेडरूम से, एंड आपकी बड़ी सी विंडो भी आ जाती है। आइए बढ़ते हैं हम हमारे फिफ्थ बेडरूम की ओर। ये आ गया फिफ्थ बेडरूम, और अगेन काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेस बेडरूम का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इधर को सिटिंग एरिया दिया गया है, यहाँ पे स्टडी एरिया आ गया, ये देखिए, एंड देन उसके बाद सबसे पहले
ड्रेसिंग एरिया एंड हमारा वॉक इन वॉर्डरोब स्पेस तैयार हुई है यहाँ पे मजे से। एंड देन उसके बाद हमारा वॉशरूम, क्योंकि अटैच वॉशरूम है। इधर वैनिटी एरिया आ गया, वैनिटी के बाद इस तरफ को आपका आ गया बाथिंग एरिया। एंड इसी बेडरूम से आपको मिलता है बैक बालकनी का एक्सेस एंड साथ ही में बड़ी सी विंडो। अब देखिए, हमने हमारा फर्स्ट फ्लोर भी पूरा का पूरा देख लिया है, ग्राउंड भी देख लिया, फर्स्ट भी देख लिया। अब बारी आती है फाइनली आप सभी को लेकर जाने की टॉप पर। अब मुझे भी नहीं पता टॉप में क्या है, मैं आप ही के साथ जाऊंगी या ना आप ही के साथ जाके देखूंगी कि टॉप में क्या है। आइए चलते हैं। अब हम आ चुके हैं हमारे सेकंड फ्लोर पे। एंड सेकंड फ्लोर पे आते ही सबसे पहले जो हमने नीचे से शैंडलियर का एक लुक देखा था, आप वो भी देख लीजिए। नीचे से देखा ही देखा था, ऊपर से भी देख लेते हैं। बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है शैंडलियर का। सो ये है हमारा अब सेकंड फ्लोर। यहाँ पे हम देखेंगे दो और बेडरूम। देखना क्या, मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ कि ऊपर आपको दो बेडरूम्स मिलते हैं, दो बेडरूम्स एक ड्रॉइंग एरिया सॉर्ट ऑफ मिल जाता है आपको। सो इस तरफ को आपके आ जाते हैं दो और बेडरूम्स, इधर को एक ड्रॉइंग एरिया दिया गया है, बहुत ही प्यारा सा। अब देखते हैं इसके बाद इस घर का एक और खास हिस्सा, जो कि है ये आपका एक ग्रीन एरिया आपके टेरेस पे जो बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत। हाँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ मैं यहाँ पर। इतना बड़ा घर देखते देखते ही मैं थक जाती हूँ, इतना सुंदर घर है। बाई गॉड जिस तरीके से बनाया गया, इस तरफ को काफ़ी सारा वुडन का काम देखने को मिल रहा है। हमें नीचे जो आर्टिफिशियल ग्रास का काम है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। लुक काफ़ी अच्छी आ रही है आर्टिफिशियल ग्रास की वजह से। एंड आर्टिफिशियल ग्रास के ऊपर वाइट कलर के चेयर एंड सेंटर टेबल के साथ तो और ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये वाला स्पेस। एंड काफ़ी सारे आप देखिए यहाँ पे हमारे गमले आ जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर से प्लांट्स, बहुत ही सुंदर सुंदर से फ्लावर्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही एक अच्छा लुक आ रहा है हमारे इस टेरेस का। एंड जो मैं बात कर रही थी आपके साथ हाउस हेल्प के लिए कि दो रूम्स ऊपर हाउस हेल्प के लिए भी दिए गए हैं, इस तरफ को जाके उनका रूम आ जाता है हाउस हेल्प के लिए। एंड जो उनकी एंट्री है वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। उनकी जो एंट्री रहेगी, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था कि सेपरेट रहेगी। एंड इधर ही आप देखिए, इधर से है उनका एक्सेस रहेगा। सो जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था आपको, सेपरेट एक एंट्री जा रही थी। मैंने बताया भी था कि वो डायरेक्ट हाउस हेल्प के रूम में जाती है, मैंने आपको जैसे बताया था। सो वो डायरेक्ट वहाँ जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का ये घर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, बहुत खूबसूरत। सो ये तो था 500 गज में बना हुआ इंडिपेंडेंट ड्यूप्लेक्स वाला, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, सेक्टर 21 पंचकूला के अंदर। बहुत ही कमाल पार्क फेसिंग ये घर है, इसके जस्ट बैक साइड पे हाईवे आ जाता है। कनेक्टिविटी मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत ही इजी कनेक्टिविटी है, कल को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड घर तो हमने देखा, हम सब ने साथ में मिलके देखा ये घर, कितना सुंदर ये घर था, बाई गॉड। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस घर के बारे में कुछ भी, तो नीचे आपको नंबर मिल जाएगा, आप जाइए नंबर लीजिए एंड कॉन्टैक्ट कर लीजिए आपके अपने हैरी द टीम को। कभी भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम सब आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। बाकी चलिए, आप सब प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, सो दैट हम अगली वीडियो में भी मिलते रहे। नमस्कार, शुक्रिया।